पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल के अंतर्गत मैनाटांड प्रखंड के मानपुर जंगल से सटे गन्ने के खेत में बाघ का शव देख लोगों में हड़कंप मच गया। घटना मंगलवार देर रात बताया जाता है। तीन लालटेन एसएसबी कैंप से सटे मानेश्वर दह क्षेत्र के बुधवार की अहले सुबह एक चरवाहा मवेशी चराने निकले थे, तभी गन्ने खेत में मृत पड़ा रॉयल बंगाल टाइगर पर लोगों की नजर पड़ी। इसकी सूचना मानपुर पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के निर्देशक हेमकांत राय, मानपुर थाना अध्यक्ष विकास कुमार तिवारी, डीएफओ अमरेश पाल, तीन लालटेन के एसएसबी के जवान की टीम घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। दुखद घटना है कि आज हमारे वाल्के टाइगर रिजर्व से एक बाघ की मृत्यु हुई है। मेल टाइगर है, वो नर बाघ है, और लेकिन जो अभी हम लोगों ने जांच किया है, प्रिलिमिनरी जो जांच से पाया गया है कि इसका बाघ का जो कारण मरने का है, यह इंटरनल फाइटिंग है। बाघ के मरने का मुख्य रूप से तीन कारण हो सकते हैं। एक तो इंटरनल फाइटिंग है, या अगर किसी ने उसको प्वाइजनिंग कर दिया हो, या फिर स्नेरिंग कर दिया हो, तार फंसा है, उसमें फंस जाता है बाघ। लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा है, उसके जो शरीर पर ऊंड है, घाव है, वह उसके आगरी जो पार्ट है, आगे का पार्ट जो उसके दोनों हाथ में है, उसके पाँव में है, उसके चेहरे पे है, उसका एक पाँव उसका पूरा फट गया है। ये तो ये साफ दिखला रहा है। और जो उंड है उसका, जो उंड के जो घाव के जो उसमें जो तरीके होते हैं घाव का होने का, वो साफ दिखा रहा है कि नेल अंदर घुसा है, और इस तरह से जो दो भागों का लड़ने का है, ये इसी कारण इसकी मृत्यु हुई है। हालांकि हम लोग इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे, और इसका विसरा की जांच के लिए भी हम लोग भेजेंगे, जहां भी इसका आईवीआर बरेली और देहरादून ये जगह भेजेंगे हम लोग। लेकिन अभी प्रिलिमिनरी हम लोग यह कह सकते हैं कि इसकी इन फाइटिंग के कारण ही यह मेल टाइगर है, जिसका उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच में है। नरकटियागंज से मनोज कुमार की रिपोर्ट।